हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाली एक रेसिपी, नमकीन सेवइयाँ, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने एक पतीले में 3 ग्लास पानी लिया है। अब इसमें मैं एक बाउल डालूंगी वर्मिसली का। अब इसको 4 से 5 मिनट तक हम बॉयल करेंगे और अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। ये अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इनमें मैं डालूंगी 1 गिलास ठंडा पानी ताकि जो उनका कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। अब इनको हम इस किसी छलनी में डालकर छान लेते हैं। अब हम तड़का लगाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड सीड 1 चम्मच। मस्टर्ड सीड डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी कड़ी पत्ता। अब मैं ऐड करती हूँ इसमें कटी हुई हरी मिर्च। कटे हुए प्याज, शिमला मिर्च भी हम साथ में डाल लेते हैं, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है। हल्का सा सौते करेंगे इसको। जब प्याज हल्की गुलाबी रंग की हो जाएंगे तब हम डालेंगे टमाटर। प्याज नरम हो चुके हैं, अब हम डालते हैं इसमें कटे हुए टमाटर। एक छोटा टमाटर लिया था। साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इसमें बॉयल किए हुए मटर। अब हम इसमें डालेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हो। मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। आधा चम्मच से थोड़ी सी कम मैं लूंगी यहाँ पे हल्दी। थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे बॉयल की हुई सेवइयां। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ है। नमकीन सेवइयां बनकर तैयार हैं। अब हम करते हैं इनकी प्लेटिंग। निकाल ली है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी टमाटर के ये स्लाइसेस। बहुत ही टेस्टी बनी है ये सेवइयां। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके अपने घर पर सेवइयां जरूर बनाइए। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।